बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि अगर कोई ख्वाब के अंदर रेत देखे या ख्वाब में ये देखे कि रेत को जमा कर रहा है या रेत पर चल रहा है या रेत को उड़ा रहा है या रेत का बहुत बड़ा टीला और सहरा देखा है या ये देखे कि इसके इर्द गिर्द सारी रेत पड़ी हुई है या इसके हाथों में रेत है या इसने हाथ रेत के अंदर यूं छुपाया हुआ है या रेत पर चल रहा है या औरत रेत पर चल रही है तो इसकी क्या क्या ताबीरात हो सकती हैं और अगर मुख्तलिफ रंगों की रेतें देखें तो क्या क्या ताबीरें हैं। अलामा इब्न सैरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ हालतों की मुख्तलिफ ताबीरात नकल की हैं। चलते हैं ताबीरात की तरफ। अलामा इब्न सैरी फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर रेत का देखना सुलह और खैर की अलामत है, दीनदारी की अलामत है, माल और दौलत पाने की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि ये रेत के अंदर पड़ा हुआ है, किसी काम को शुरू करेगा और वो काम इसको फ़ायदा पहुंचाएगा, उस काम के अंदर इजाफा होगा और माल में भी इजाफा होगा। और अगर ख्वाब के अंदर देखे कि ये रेत खा रहा है, बहुत ज़्यादा रेत खा रहा है, इस बात की अलामत है कि लोगों से खैर पाएगा, माल में इजाफा होगा, दौलत में इजाफा पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर देखे कि रेत को जमा कर रहा है, रेत का जमा करना, जिस कदर रेत जमा की है उस कदर माल और नेमतों के अंदर इजाफा होगा, दौलत को जमा करेगा। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि रेत को उड़ा रहा है, इस बात की अलामत है कि इसके पास माल और पैसा ज़्यादा होगा, जिससे ये माल को खर्च करेगा। हज़रत जाफ़िर सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब में रेत को देखना तीन वजह पर है। नंबर एक, किसी काम के अंदर मशगूल होना। नंबर दो, माल मिलना, मनफियात मिलना। और नंबर तीन, मकाम और मर्तबा में इजाफे की अलामत होती है। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि रेत का बहुत बड़ा टीला या सहरा है, इस बात की तरफ इशारा है कि इज्जत में इजाफा होगा, मकाम और मर्तबा में इजाफा होगा और माल और दौलत पाएगा। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके इर्द गिर्द सारी रेत पड़ी हुई है, ये उसके टीले हैं, तो इस बात की अलामत है कि दुनिया के कामों में इसको कामयाबी मिलेगी और इसकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसका हाथ रेत के अंदर है, दुनिया तो इसके पास बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन दुनिया की वजह से ये दीन से थोड़ा थोड़ा दूर होता जाएगा, इसलिए अगर इस जैसा कोई मामला है तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि ये रेत पर चल रहा है, इस बात की अलामत है कि दुनिया के कामों के अंदर तो ज़्यादा महारत रखता है, लेकिन दीन के कामों में इसके अंदर सुस्ती आती जाती है, इस सुस्ती को ख़त्म करें और दूर करें। अगर ख्वाब के अंदर औरत देखे कि वो रेत के टीले पर चल रही है, तो इस बात की अलामत है कि ये औरत शादीशुदा है, तो इस पर परेशानी आ सकती है, सदका वगैरह कर दे। अगर ख्वाब के अंदर कुंवारी लड़की देखे कि वो रेत पर चल रही है, माल और दौलत हासिल करेगी या खूबसूरत माल वाला रिश्ता इसको मिलेगा। और अगर ख्वाब के अंदर सुर्ख रेत देखें तो बहुत अच्छा है, इस बात की अलामत है। अगर कोई बेरोज़गार देखे तो रोज़गार मिलेगा, और अगर कोई ऐसा आदमी देखे जिसकी नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी। ख्वाब के अंदर सफ़ेद रेत का देखना रिज कारोबार तिजारत में इजाफे की अलामत है। ख्वाब में जर्द रंग की अगर रेत देखें तो बीमार होने की अलामत है, सदका वगैरह कर दें। और अगर ख्वाब के अंदर ये देखें कि रेत को छान रहा है, फ़ायदा पाएगा, लंबी ज़िंदगी पाएगा। अगर ख्वाब के अंदर देखे कि रेत से तयम्मुम कर रहा है, इस बात की अलामत है कि कोई मुश्किल सफ़र करेगा, इसमें मुश्किल आ सकती है। अगर आपने भी इससे ऐसा कोई ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर मालूम करना चाहते हैं, कमेंट्स में ख्वाब लिखिएगा और अपना मुकम्मल ख्वाब लिखिएगा, और ख्वाबों की ताबीर के हवाले से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरा।